नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। राज तिलक में चार धमाकेदार खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले बात कांग्रेस से भगाए गए 49 नेताओं की करेंगे। आगे बताएंगे कि कैसे कांग्रेस प्रत्याशी ईडी का डंडा चलते ही कांप गए। फिर बात करेंगे जूतों की माला पहनाकर घुमाए गए विधायक जी की। और आखिरी खबर बीजेपी के धमाकेदार घोषणा पत्र पर होगी। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बागियों से परेशान कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 49 नेताओं को पार्टी से किया बाहर। बैरवा, जौहरी लाल मीणा समेत 7 पूर्व विधायकों पर गाज। वोटिंग से पहले मुश्किलों में फंसा कांग्रेस प्रत्याशी, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस। 5 करोड़ की हेराफेरी के मिले सबूत। रोड में कांग्रेस विधायक पर फूटा लोगों का गुस्सा, जूते की माला पहनाकर जताया विरोध। समर्थकों की ग्रामीणों से हुई झड़प। बीजेपी ने खोला घोषणा पत्र का पिटारा, किसानों युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन के लिए भी बनाई रणनीति। खबरों की शुरुआत तबाह हुई कांग्रेस पर। चुनाव से पहले बागी नेताओं ने कांग्रेस का सारा खेल बिगाड़ दिया है। गहलोत और राहुल गांधी इतना परेशान हो गए हैं कि अब उन्होंने 49 नेताओं को सबक सिखाते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी बागियों को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बागियों में 2 मौजूदा विधायक और 7 पूर्व विधायक शामिल हैं। बसेड़ी से विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरी लाल मीणा को बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस से बाहर निकाला गया। दरअसल ये लोग टिकट ना मिलने से पार्टी के खिलाफ ही चुनाव प्रचार में जुट गए थे, जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे में आलाकमान ने इन्हें काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने तो इन पर कार्रवाई की गई और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। कांग्रेस को आंख दिखाने लगे। इन सभी नेताओं को कुछ दिन पहले अंतिम मौका दिया गया था ताकि वो अपना नामांकन वापस ले सके, लेकिन बागियों ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद पार्टी ने सख्त कदम उठाया है। कुल मिलाकर ये सभी नेता पार्टी के लिए सिरदर्द बन रहे थे। सभी को एक एक कर पार्टी से भगा दिया गया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। नेताओं में कई बड़े नेता शामिल हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरी लाल मीणा के अलावा राहुल कुमार मीणा, शीला मीणा, पुष्कर से डॉक्टर गोपाल बाहेती, सिवाना से सीएम गहलोत के करीबी सुनील परिहार, जोधपुर से बागी होकर आरएलपी से मैदान में उतरे अजय त्रिवेदी समेत कई पूर्व और मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। पार्टी के इस फैसले से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। अब कांग्रेस को और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगली खबर ईडी के धमाकेदार एक्शन पर। सेक्सटॉर्शन मामले में सुर्खियों में आए बाड़मेर से कांग्रेसी विधायक मेवाराम जैन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सेक्सटॉर्शन केस के बाद अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज किया है। मेवाराम जैन पर आरोप है कि उन्होंने सेक्सटॉर्शन मामले को दबाने के लिए अवैध तरीके से अर्जित की गई ब्लैक मनी दी है। इस मामले में ईडी की टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यानी चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक को लगे झटके से गहलोत को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि विधायक अपने बुने जाल में खुद ही फंस गए हैं और खुद पर ही घोटाले के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों बाड़मेर के कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन को लेकर सेक्सटॉर्शन का मामला सामने आया। इस दौरान विधायक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जमकर। इस मामले के सामने आने के बाद विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये मामला पुराना है, वो सेक्सटॉर्शन रैकेट का शिकार हो गए हैं। उन्होंने इन तस्वीरों को फर्जी बताते हुए कहा कि ये तस्वीरें एडिटेड है। ईडी ने मामले की जांच शुरू की तो इसमें सामने आया कि विधायक मेवाराम से जुड़े मामले में 5 करोड़ से ज़्यादा की जबरन वसूली की जा रही थी। इस शिकायत के बाद ईडी के सामने ये तथ्य भी आया कि इस वसूली में ब्लैक मनी का उपयोग किया गया था। इसके बाद ईडी की टीम हरकत में आई। उन्होंने धन शोधन अधिनियम के तहत विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब विधायक के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। जल्द ही 5 करोड़ के काले खेल का पर्दाफाश हो सकता है। विधायक वोटिंग से पहले जेल भी जा सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में इस बार कांग्रेसियों के लिए चुनाव लड़ना फजीहत हो रहा है। कांग्रेस के कारनामों से जनता इस कदर नाराज है कि जूते चप्पलों से स्वागत कर कांग्रेस प्रत्याशियों पर गुस्सा निकाल रही है। वहीं अलवर के बहरोड विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक बलजीत यादव का लोगों ने जूतों की माला पहनाकर स्वागत किया जब वो मतदाताओं से वोट मांगने के लिए गए, तो गुस्साए लोगों ने उन्हें जूतों की माला पहनाकर अपनी नाराजगी जताई और बेइज्जत किया। इस दौरान बलजीत यादव के समर्थक ग्रामीणों से भिड़ गए, धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी, जिससे मौके पर माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया। ग्रामीणों ने चिल्ला चिल्ला कर विधायक बलजीत यादव मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। बाद में माहौल बिगड़ता देख विधायक बलजीत यादव मौके से फरार हो गए। विधायक की बेइज्जती का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुस्साए लोगों का कहना है कि बलजीत यादव जमीन पर कब्जा करवाने का काम कर रहे हैं, विकास के नाम पर खोखले वादे हो रहे हैं। विधायक की गुंडागर्दी से लोग परेशान हैं, इसीलिए जब वो अपने इलाके के मतदाताओं से वोट मांगने आए तो लोगों ने उन्हें जूते की माला पहनाकर खदेड़ा। बता दें कि इससे पहले भी बलजीत यादव को कई बार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा है। उनके कारनामों से जनता काफी परेशान है और अब उसी परेशानी का हिसाब कांग्रेसियों से जनता ले रही है। कांग्रेस विधायकों और प्रत्याशियों को जिस तरह से उनके इलाके से ही खदेड़ा जा रहा है, उससे गहलोत भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब कांग्रेस को अपनी नैया डूबती साफ नजर आ रही है। तो आखिरी खबर में बात बीजेपी के धमाकेदार घोषणा पत्र की करते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी राजस्थान में भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कन्हैया लाल जैसे मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है, लेकिन राजस्थान के लिए इसका नाम आपड़ों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र रखा गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल की आलोचना की। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि योजनाओं के जरिए किसानों को बीजेपी ने आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने केंद्र सरकार के दिए गए नियुक्ति पत्रों का जिक्र किया और कहा कि 7 महीने में 6 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को दिए हैं। संकल्प पत्र में क्या क्या वादे जनता से किए गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी ने पहला वादा ये किया है कि कांग्रेस राज्य में नीलाम हुई किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति लगाई जाएगी। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और पीएम उज्ज्वल योजना के तहत सभी गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर दिए जाएंगे। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं केंद्र की तरफ से राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज, 23 में से 11 मेडिकल कॉलेज में कामकाज शुरू होगा। लाडो प्रोत्साहन योजना को शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हर बच्ची के जन्म पर 2 लाख का बॉन्ड मिलेगा। हर जिले में महिला थाना खुलेंगे, थाने में महिला डेस्क होगा। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को 12वीं के बाद स्कूटी दी जाएगी। नड्डा ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो पेपर लीक, फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन किया जाएगा। यानी कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए ना सिर्फ जनता का विकास देखा है, बल्कि घोटालेबाजों पर शिकंजा कसने की रणनीति पर भी काम कर लिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र से कांग्रेस के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो कांग्रेस के सारे घोटालेबाजों का नपना तो तय है। राजतिलक में आज के लिए इतना ही, कल फिर पेश होंगे नई चुनावी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।